टफट हेडलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित यादव और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। परवेज मुशर्रफ ने कहा, हम भूटान नहीं, आपको उतना ही मारेंगे जितना आप हमें। मुशर्रफ ने कहा कि भारत के मीडिया और राजनेताओं को पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार में भी 2002 में भारत ने 10 महीने तक सीमा पर सेना तैनात रखी, उसके बाद क्या हुआ, भारत को पीछे हटना ही पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि भारत सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की नीति के चलते प्रदेश में आतंकवाद बढ़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी में पूछताछ खत्म, शुक्रवार को फिर पेश होने को कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस के प्रवर्तन निदेशालय में छठी बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बनोई रॉबर्ट वाड्रा ने पूछताछ की। इससे पहले उनसे बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ की गई थी। दक्षिण कोरिया पहुंचे पीएम मोदी, सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित होंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह दक्षिण कोरिया पहुंचे। यहां उनका स्वागत शानदार तरीके से किया गया। प्रधानमंत्री यहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश के केमिकल गोदाम में भीषण आग, 69 लोगों की मौत। ढाका में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। अभी तक मौत का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया है। अभी भी पूरी तरह से आग पर काबू पाया नहीं गया है। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के टिकट के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन। ओल्ड ट्रैफर्ड में 25,000 दर्शकों के क्षमता के बावजूद टिकटों के लिए 4 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। बॉक्सर अमित पंघाल ने कहा, पदक जीतकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने को बेताब था। अमित पंघाल ने सोफिया में यूरोप के सबसे पुराने मुक्केबाज टूर्नामेंट में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। पत्नी ने बेटी को पोलियो ड्रॉप पिलाने से किया इनकार, पाकिस्तान एक्टर फवाद खान पर FIR। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में से एक है जो पोलियो की बीमारी से प्रभावित है। पहले 2 देशों में नाइजीरिया और अफगानिस्तान शामिल है। फटाफट हेडलाइन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए तहलका न्यूज़।